हेलो, हे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट एवर आई हैव रिटन ऑन द व्हाइट बोर्ड दैट टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस डिफरेंट वेज टू से गुड मॉर्निंग। आज एक बार फिर से हम लोग अपने जो हमारे स्पोकन इंग्लिश जो क्लास रेगुलर चल रही है उसका सेकेंड डे है। आज क्या है? आज डे टू है। आज अपना कौन सा दिन है? आज अपना है दूसरा दिन। आज अपना सेकेंड डे है और आज सेकेंड डे में हम लोग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह हम लोग डेली अपडेट होते हैं, सुबह सुबह डेली हम लोग सीखते हैं इंग्लिश, और इंग्लिश सीखे और उसमें किसी को गुड मॉर्निंग विश करनी है तो क्या बात है। सबसे पहले हम लोग ये सीख लेते हैं ना कि कैसे गुड मॉर्निंग विश कैसे करेंगे। सुबह उठते हैं, व्हाट्सअप चेक करना होता, फोन चेक करना होता, पहला काम क्या होता है? गुड मॉर्निंग या तो विश करना होता है या तो सीन करना होता है। हालांकि अभी आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप रिप्लाई देंगे, लेकिन पहले हम लोग जान लेते हैं कि कैसे हम लोग गुड मॉर्निंग किसी को कह सकते हैं। उसके पहले एक बात और, हम लोग सो के उठते हैं, सबसे पहले ग्रीटिंग्स में क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग कहते हैं। गुड मॉर्निंग का टाइम क्या होता है फटाफट बताइए हमको। गुड मॉर्निंग का टाइम होता है अपना मॉर्निंग से लेकर के 12 नून के पहले तक, 12 मतलब 12 बजे के पहले तक, 12 बजे के पहले से आप क्या कह सकते हैं? गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। सुबह के 6 बजे से शाम जब भी आप सो उठ रहे हैं 12 बजे तक आप आराम से गुड मॉर्निंग बोलिए, ओके। और फिर 12 बजे से लेकर के कुछ समय के आसपास तक क्या कह सकते हैं आप? गुड नून कह सकते हैं, गुड नून कह सकते हैं। एंड उसके कुछ देर बाद वी विल से व्हाट? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ओके, गुड इवनिंग। Have you understand? And apart from this section means after 4 PM, ये क्या हो गया? हमने क्या बताया आपसे कि मॉर्निंग में 7 AM से लेकर के 7 AM से लेकर के 12 नून तक आप क्या बोलेंगे? 7 AM से 12 नून तक आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और एट अराउंड 12 नून के अराउंड क्या बोलेंगे? 12 नून के अराउंड बोलेंगे गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन, ओके। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर 12 नून, जस्ट फ्रॉम 12 नून टू 4 PM यू विल से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एंड आफ्टर From 4 PM to continuously till not only from you can say at around 4 PM good afternoon, sorry, good afternoon you will say from 12 noon to 4 PM good afternoon, good afternoon. And what near about 12 around you will say good noon, you will say good noon. And from 12 noon, from 12 noon to 4 PM you will say good afternoon, good afternoon, okay. And from 4 PM to 12 o'clock in the night, from 4 PM to 12 PM what will you say? Good evening. If you are going to meeting with a person first time, agar aap kisi se milne ja rahe hain to what will you say? You will say good evening. क्या आप जब मिलने जाएंगे, भले ही रात के 11 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, अक्सर हम लोग क्या करते हैं जब भी किसी से जाते हैं मिलने शाम को 7 बजे आते हैं, हम लोग क्या बोल देते हैं? गुड नाइट बोल देते हैं। दिस इज एग्जैक्टली रॉन्ग। और पता है अब तो आपको नहीं बोलना है, अब जब भी आप किसी से मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, ओके। अब काफी लोग सोच रहे हैं सर आपका प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है, तो ये प्रोनाउंसिएशन सीख लेते हैं, ठीक है, अगले 2-3 सेकंड में। जब हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो अपना एक हम लोग स्लोप बनाते हैं। आइए देखते हैं, आप सब लोगों ने ग्राफ पढ़ा है, आई थिंक यू ऑल हैव लर्न अबाउट ग्राफ इन योर प्रीवियस क्लासेस, इन क्लास 7th, 8th, 9th, 10th, योर टीचर हैव टॉट यू वेल दैट हाउ यू हैव टू फॉर्मिंग अ ग्राफ। सो द सेम वे व्हाइल यू आर सेइंग गुड मॉर्निंग देन यू हैव टू से व्हाट? गुड, ये दिस इज, सी द ग्राफ, सी द ग्राफ, गुड। एंड हाउ विल यू से मॉर्निंग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ओके। यू हैव टू से जस्ट लाइक दिस, यू हैव टू ऑल्सो प्रोनाउंस विथ मी हाउ? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून,
गुड आफ्टरनून एंड इन द सेम वे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. ओके, सो यू हैव टू ऑल्सो प्रोनाउंस द टाइम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग इन दिस वे. अपार्ट फ्रॉम दिस सेक्शन, वन थिंग विच आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट इफ एट द टाइम वेर यू आर गोइंग टू से गुड मॉर्निंग टू एवरी वन एनी वन, देन यू मस्ट हैव टू कीप स्माइलिंग ऑन योर फेस. थोड़ा सा अजीब लगा क्या? अरे भाई, जब किसी को गुड मॉर्निंग बोलने जा रहे हो और अब कह रहे आप खड़ूस होकर के गुड मॉर्निंग, तो सामने वाला क्या सोचेगा? उसके बेचारे को और गुस्सा आ जाएगा. मीन्स जब किसी को आप गुड मॉर्निंग बोलिए तो इतना एनर्जेटिक बोलिए ना कि सामने वाले को लगे कि वाह, व्हाट एनर्जेटिक पर्सन ही और सी इज. ओके, सो इफ यू आर गोइंग टू से गुड मॉर्निंग टू एनीवन, भले ही आप फोन पे ही बोल रहे हैं, आप ट्राई करके देखिएगा. मैं आपको एक प्रैक्टिकल करने को बता रहा हूँ, अगली सुबह कल आपको करना है और आपको कमेंट में लिख के बताना है कि सर हमने प्रैक्टिकल किया, मुझे इस प्रैक्टिकल से फायदा हुआ कि नहीं हुआ. करेंगे सब लोग? तभी मैं बताऊंगा, पक्का. ओके, नाउ सी, सुबह आपको उठना है. ओके, आप अपने सब लोग घर में तो इस समय हैं, आप सुबह उठेंगे, अपने भाई को, अपने सिस्टर को, मॉम, किसी को बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? बोलेंगे गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग सिस्टर, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, या किसी को फ़ोन करके बोल सकते हैं जो आपका अपना हो, जिससे सब कुछ ठीक ठाक चलता हो, उससे आप बोल सकते हैं क्या, हेलो डियर, गुड मॉर्निंग. तो अब क्या होगा, अब जिस टोन में आप गुड मॉर्निंग बोलेंगे ना, इन द सेम टोन द पर्सन टू होम यू आर टॉकिंग ही विल रिप्लाई. बात समझ में आई? जिस टोन में आप बोलेंगे उसे टोन में सामने वाला क्या करेगा, रिप्लाई देगा. अगर आप बोलेंगे ना एनर्जेटिक यस गुड मॉर्निंग, तो भी करेगा यस गुड मॉर्निंग, भले ही वो ना बोले लेकिन उसके बॉडी में करंट आएगा और वो क्या होगा, एनर्जेटिक होगा. लेकिन अगर किसी से आप बोल रहे हैं कि सो के गुड मॉर्निंग, ऐसे लग रहा है कितने दिन से आपकी नींद ही नहीं पूरा हुई है, तो वो सामने वाला भी क्या करेगा, हाँ गुड मॉर्निंग वैसे ही बोलेगा. बात समझ में आ रही है? मीन्स आपके बातों से, आपके गुड मॉर्निंग कहने से उधर गुड मॉर्निंग का जो वाइब्रेशन होता है वो ट्रांसफर होता है. इतनी बात समझ में आई? तो जब भी किसी से गुड मॉर्निंग बोलना है तो वी हैव टू कीप अ स्लाइट स्माइलिंग ऑन आवर फेस. जब हम लोग किसी को गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो वी मस्ट हैव स्माइलिंग ऑन आवर फेस. हमारे फेस पे क्या होना चाहिए, एक स्माइलिंग तो होना ही चाहिए. ओके, ऐसा मतलब लगे ना कि सामने वाले के ऊपर एक पॉजिटिव इंप्रेशन पर, ऐसा लगे आप नेचुरल बोल रहे हो. ये बात समझ में आई? नाउ शी, हाउ यू हैव टू से, हाउ यू विल से गुड मॉर्निंग टू योर फ्रेंड्स, टू योर फैमिली मेंबर्स, टू योर फ्रेंड्स. ओके, सो द फर्स्ट वन विच आई जनरली यूज टू स्पीक इन द मॉर्निंग विथ माई फ्रेंड्स, विथ माई फैमिली मेंबर्स एंड विथ माई ब्रदर, यू नो वेरी वेल टू होम आई एम गोइंग टू टॉक. सो आई से वॉट, हे प्लीजेंट गुड मॉर्निंग. प्लीजेंट सुनहरा होता है. हे क्या है, ये हमने लगाया है सिर्फ किसी को रिलेट करने के लिए, किसी को रिलेट करने के लिए. हे प्लीजेंट गुड मॉर्निंग. अब क्या होगा, आप किसी को नॉर्मल गुड मॉर्निंग रोज चिल्ला रहे हो, जैसे आपने प्लीजेंट बोल दिया ना, ओ वाह रियली, ही और सी विल बी हैप्पी, उसे लगे वाह क्या बात है, कुछ इंटरेस्टिंग बनता है ना इससे. भाई डेली गिजा पेटा हम लोग तरीका फॉलो कर रहे हैं, और अगर हम तरीके में अगर कुछ अगर हम मिठास लाएंगे, कुछ तरीका कन्वर्ट करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा. सो फॉर्मली यू में से दिस इज ऑल्सो फॉर्मल. ये क्या है, एक फॉर्मल तरीका भी है आपके गुड मॉर्निंग कहने का. दूसरा जो हमने लिखा है यहाँ पे, राइज एंड साइन माई डियर फ्रेंड. राइज एंड साइन, राइज एंड साइन. राइज मतलब भाई उठो, साइन मतलब चमकना है. किसको, माई डियर फ्रेंड, आपका जो भी फ्रेंड, माई डियर ब्रदर, माई डियर फ्रेंड. अपने फ्रेंड को बोलिए ना, ट्राई करिए उठाने का, देखिए वो आपसे सुबह उठते ही आप पे खुश हो जाएगा. पक्का एकदम प्रैक्टिकली इसको ट्राई करिएगा. सो यू विल से व्हाट, राइज एंड साइन माई डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू यू. इन द सेम वे यू में से हेलो, हे वेक अप, यू में से हियर. आप यहाँ पे भी ये है का यूज कर सकते हैं. हे क्या होता है, जब किसी को हमें रिलेट करना होता है, जब किसी को संबोधन करना होता है. सो एट दैट इंस्टेंट व्हाट वी आर सेइंग, हे वेक अप, वेक अप राम. आप यहाँ पे किसी का नाम भी लिख सकते हैं, कोई आपका फैमिली मेंबर है, कोई आपका छोटा भाई, आप उसका यहाँ पे नाम ले सकते हैं, छोटे भाई का. आपने आप अपने से बड़ों का नाम नहीं लेना है. ओके, हालांकि ये भी फॉर्मल ही है. ये तीनों तरीका हमारा क्या है, फॉर्मल है. ये तीनों तरीका हमारा क्या है, फॉर्मल है. इन द सेम वे चौथा अपना क्या है, अब इसको मैं मिटा दूं क्या, इसको मिटा दूं. ये बात आपके समझ में आ गई होगी, इसको मैं मिटाता हूं. ओके, फोर्थ वे क्या अपना, हे गुड मॉर्निंग, होप यू हैड अ गुड नाइट स्लीप. अब देखिए, मैं गुड मॉर्निंग भी बोल रहा हूँ, साथ में ये भी पूछ ले रहा हूँ कि हमें उम्मीद है कि आपकी जो नाइट थी ना, जो आपकी नाइट थी वो भी कैसी थी, अच्छी थी, दोनों एक साथ हो गया. हे गुड मॉर्निंग, होप यू हैड अ गुड नाइट स्लीप. आपको भी बोलना है इस तरीके से, किसी को बोलो एकदम जबरदस्त, एकदम मजा आ जाएगा. एकदम ये क्या है, इनफॉर्मल है. थोड़ा सा क्या है, ये इनफॉर्मल है. इनफॉर्मल इन द सेंस आप किसी अपने करीबी को बोल सकते हैं, अपने सीनियर को बोलेंगे तो थोड़ा सा उसको ऑड लग सकता है, हालांकि चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. ये आप दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं, फॉर्मल भी यूज करिए और
इनफॉर्मल में भी यूज करिए। ये शब्द आप दोनों मीडिएटर ऐसे दोनों में यूज कर सकते हैं। हे गुड मॉर्निंग, होप यू हैड अ गुड नाइट स्लीप। इन द सेम वे गुड मॉर्निंग सनशाइन, गुड मॉर्निंग सनशाइन। ओके, हम गुड मॉर्निंग भी बोल रहे हैं, सनशाइन बोल रहे हैं, मीन्स क्या है गुड मॉर्निंग सन साइन, भाई सन साइन कर रहा है, सन की तरह साइन करिए और आप भी गुड मॉर्निंग, आपका ये प्रेजेंट है। इन द सेम वे आप कह सकते हैं क्या, गुड मॉर्निंग डिड यू स्लीप वेल, गुड मॉर्निंग डिड यू स्लीप वेल, क्या आपने अच्छे से सोया, हाँ क्या आपने अच्छे से सोया, बट बी श्योर दैट दिस इज इनफॉर्मल। आप अपने फैमिली में किसी से पूछ सकते हैं, आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, आप अपने रिलेटिव से पूछ सकते हैं क्या, गुड मॉर्निंग डिड यू स्लीप वेल, क्या आपने अच्छे से सोया आज। इन द सेम वे स्टॉप स्नरिंग एंड वेक अप, स्टॉप स्नरिंग। स्नरिंग क्या होता है, कुछ लोग देखते हो ना जो क्या करते हैं सो के तो उठ जाते हैं, उसे क्या करते हैं बिस्तर पर घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ऐसे लगता है कि मतलब पता नहीं क्या उनकी बॉडी में समझ में नहीं आता। एक हमारे यहाँ भी एक लोग हैं, ठीक है, कभी उनसे मिलाऊंगा आपको तो हम बताएंगे, एक हमारे छोटे भाई हैं, ठीक है, तो वहां पे उनसे क्या कर सकते हैं आप, स्टॉप स्नरिंग एंड वेक अप, स्टॉप स्नरिंग आप भी बोलिएगा, बहुत मजा आएगा। आई एम वेरी श्योर दैट यू विल फील वेरी हैप्पी एंड एनर्जेटिक इफ यू यूज दीज फ्रेजेस विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर ब्रदर्स, विथ योर फैमिली मेंबर्स। तो आप क्या बोलेंगे, स्टॉप स्नरिंग एंड वेक अप। इन द सेम वे सीइंग यू इन द मॉर्निंग मेक्स यू डे, सॉरी सीइंग यू इन द मॉर्निंग मेक्स माई डे। सुबह में आपको देख के ना, सुबह में आपको देखने से ना मेरा दिन क्या हो जाता है, बन जाता है, मेरा दिन अच्छा हो जाता है। और पता होगा आपको इसे किससे कहना है, अब इसके लिए हम बताएंगे नहीं, आप लोग सब लोग समझदार हैं, इसे किसे कह सकते हैं, हालांकि अपने मम्मी को भी कह सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, टू होम यू लव अ लॉट। ओके, यू मे से टू योर फ्रेंड, यू मे से टू योर मॉम, यू मे से टू योर पापा, ओके, टू होम यू लाइक मोस्ट, टू होम यू लव अ लॉट, जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, प्यार करते हो। इन दैट केस यू मे यूज दिस फ्रेज, वट सींग यू इन द मॉर्निंग मेक्स माई डे, सींग इन द मॉर्निंग मेक्स माई डे। आपको सुबह देख के ही ना मैं अपना दिन क्या करता हूँ, बनाता हूँ, या मेरा दिन क्या होता है, अच्छा होता है। इन द सेम वे सेंडिंग यू सम मॉर्निंग लव, सेंडिंग यू सम मॉर्निंग लव, सेंडिंग यू सम मॉर्निंग लव, मैंने क्या किया आपको कुछ मॉर्निंग का क्या किया, प्यार दिया, सेंडिंग यू सम मॉर्निंग लव। इन द सेम वे ये क्या है, ये इनफॉर्मल है गुरु, ये सब क्या है, दीज आर इनफॉर्मल, इनफॉर्मल। ओके, इन द सेम वे लास्ट क्या है, सन हैज राइज़न इन द स्काई। अब मान लीजिए कोई बहुत देर से सो रहा है, आप उसे उठा रहे, उठ ही नहीं रहा है, तो आप क्या कहेंगे, हेलो वेक अप, सन हैज राइज़न इन द स्काई, व्हाट आर डूइंग, आप अभी तक क्या कर रहे हो, अभी तक आप उठे नहीं, सन हैज राइज़न इन द, सन क्या हो चुका है, स्काई में राइज हो चुका है, सन स्काई में आ चुका है। तो फ्रेंड्स यू ऑल यूज दिस फ्रेजेस एंड आई होप वेरी वेल दैट यू विल मेक योर कॉन्वर्सेशन स्टार्टिंग इंटरेस्टिंग। दिस इज एक्चुअली द स्टार्टिंग वर्ड्स ऑफ योर डे, if you are going to start your day with your friends, with your family members, with your brother and sisters, so if you will use these phrases, then they will very happy and I am very sure that this will become very interesting also. Agar aap ise use kar rahe hai na, to aap samne wale ko happy bhi karenge aur interesting bhi karenge. Aur main ek baat ka aap se promise chahta hoon ki aap sab log is phrases ko use karenge, 100% यूज़ करेंगे। अगर आप इन सारे फ्रेज को, अगर आप इन सारे तरीकों को गुड मॉर्निंग बोलने में यूज़ करेंगे, तो अभी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप चैनल पे बहुत सारे फ्रेजेस और भी देने वाला हूँ, जो मैं आपको वहाँ पे दूंगा। सबको पता होना चाहिए, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आप वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ लीजिए, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर मिलिए। अभी आपको बहुत सारा फ्रेजेस मैं और भी देने वाला हूँ, लेकिन ये फ्रेजेस सिर्फ मैं उन लोगों को दूंगा जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग इन सारे तरीके को इस्तेमाल करें हैं और इंटरेस्टिंग बनाए हैं। बात समझ में आई, आइए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट बताया था मैंने क्या आपसे, जो अपना ग्रामर का सेक्शन होगा, आइए देखते हैं। नाउ सी स्टडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एंड व्हाट ऑब्जेक्ट। ओके, सो इन द सेम वे टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था, और कल हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने लेटर पढ़ा था, वर्ड्स पढ़े थे, सेंटेंस पढ़ा था और सेंटेंस के पार्ट्स को पढ़ा था। सो आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे इसके वीडियो सबके अलग अलग बने हुए हैं, नाउन का अलग, प्रोनाउन का अलग, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सबका अलग अलग वीडियोस बना है। यहां पे आपको मैं सिर्फ थोड़े से समय में आपको सिर्फ मैं सिर्फ इसकी एक ग्लिम्स दिखाऊंगा, एक सिर्फ इसकी आप झलक दिखाऊंगा, ताकि आप सिर्फ ये जान लीजिए कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन होता क्या है। ओनली आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू ओनली द यू कैन से द सिनोप्सिस, द ग्लिम्सेस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस। ओके, नाउ सी, नाउन क्या होता है,
सबसे पहले देख लेते हैं नाउन क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड होता है। नाउन क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड बोले तो जो दुनिया में इन द होल वर्ल्ड इन द होल यूनिवर्स किसी भी प्रकार के नाम को डिफाइन करता है। नाम बोले तो ये किसी पर्सन का नाम हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई थिंग हो सकता है, या कोई थॉट। थॉट पर्सन प्लेस थिंग और थॉट, कोई भी पर्सन होगा, कोई भी प्लेस होगा, कोई भी थिंग होगा और कोई भी थॉट होगा, ये सब किसमें आते हैं, नाउन में आते हैं। जैसे राम है, राम किसी का नाम है तो ये किसमें आएगा, नाउन में आएगा। हम लोग प्रयागराज में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, तो ये किसमें आएगा, नाउन में आएगा। ओके सो अब बात आती है प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या होता है, जिस वर्ड को, जिस कैसे यू कैन से अ वर्ड विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, मीन्स जो भी को शब्द हम लोग क्या करते हैं, नाउन के स्थान पे इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होता है, प्रोनाउन। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज जनरली यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, एक ऐसे शब्द जिसका हम लोग इस्तेमाल नाउन के स्थान पे करते हैं वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। ओके जैसे अब हम राम कह रहे, जैसे मान लीजिए हम कोई स्टोरी लिख रहे हैं, ओके और इस स्टोरी में हम लोग बार बार राम कह रहे, जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, राम क्लास फिफ्थ में पढ़ता है, ओके राम इलाहाबाद में रहता है, तो अब हम लोग बार बार राम कह रहे हैं, तो उससे अच्छा क्या होता है, हम राम के स्थान पे क्या कहें, ही का यूज करें। तो जैसे ही हमने राम के स्थान पे ही का यूज किया, वो क्या होता है, तुरंत प्रोनाउन होता है। यू कैन आल्सो से प्रोनाउन इज सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। इसे सब्स्टिट्यूट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, नाउन के स्थान पे यूज होता है। नाउन के स्थान पे यूज होगा तो वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। अब आती है बात एडजेक्टिव की, बात आती है, अब बात आती है एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करेगा। यस एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट जनरली डिफाइंस अ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करेगा वो कौन होगा, एडजेक्टिव होगा। इट क्या करेगा, ये क्या करेगा, कुछ मीनिंग में ऐड करता है। यू कैन आल्सो से दैट व्हाट एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, जिसको डिटेल में पढ़ना है नाउन को, प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को, वो प्लेलिस्ट में जाए, अभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स दिख जाएंगे, आप वहां से इसके बारे में जाकर डिटेल से पढ़ सकते हैं। मैंने सबकी वीडियो अलग अलग बनाई है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ओके यहां पर मैं सिर्फ आपको, इसलिए सिर्फ आपको एक बार मैं रिविजन करा रहा हूं, एक बार मैं आपको सिर्फ रिमाइंड करा रहा हूं। और एक बात और जान लीजिए, आपको इंग्लिश सीखने के लिए इन सबकी कोई जरूरत नहीं है। आप सोच रहे हैं गुरुजी आप पढ़ा भी रहे हैं, यू आर टीचिंग अस एंड स्टिल यू आर सेइंग दैट वी डू नॉट हैव नीड ऑफ दीस थिंग्स। यस दिस इज ट्रू, आपको बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जानते रहिए, फिर भी थोड़ा बहुत जानते रहिए। ओके एडजेक्टिव क्या है, ये क्या होता है, एडजेक्टिव इज वर्ड दैट डिफाइंस नाउन और प्रोनाउन। अब वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में मैंने कल बताया था कि इंजन की तरह काम करता है, इट इज एक्शन वर्ड। ये क्या होता है, एक्शन वर्ड होता है। और मैंने आपसे कल ये भी कहा था किसी भी शब्द के लास्ट में अगर ना आ रहा है, जैसे खाना पीना सोना रोना गाना हंसना, हिंदी वर्ड के लास्ट में ना आ रहा है, दैट इज वर्ब। ओके आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड द वर्ब। एंड एड वर्ब क्या होता है, ये देखिए एड हो गया, किसमें एड हो गया, वर्ब में एड हो गया। तो जो कोई भी ऐसा वर्ड जो वर्ब के और एडजेक्टिव के दोनों के मीनिंग में कुछ एड करता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। नेक्स्ट चलते हैं प्रीपोजिशन पे। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी नाउन के पहले आता है, किस ध्यान से सुनिएगा, किसी भी नाउन के पहले आता है और उस नाउन का उस सेंटेंस से एक रिलेशन डिफाइन करता है। सो यू कैन से दैट व्हाट, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट जनरली कम्स बिफोर अ नाउन एंड इट्स मेक अ रिलेशन विद दैट नाउन टू द होल सेंटेंस। तो ये कहता है प्रीपोजिशन, देख रहे हैं इसकी प्री मतलब क्या होता है, पहले। पोजिशन इसकी कहाँ होती है, पहले होती है, किसके पहले होती है, किसी सेंटेंस में नाउन के पहले होती है। कंजंक्शन क्या करता है, ये कनेक्टिंग है, कनेक्शन कर देता है भाई, कनेक्टिंग काम करता है, कनेक्शन का काम करता है, किसी भी दो फ्रेज को ना, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कौन करता है, कंजंक्शन होता है। ओके इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन जो होता है, जैसे मान लीजिए आप रोड पे ट्रेवल कर रहे हैं, ओके आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपके सर्टेनली मन में जो एक फीलिंग आती है ना, जैसे आप रोड पे ट्रेवल कर रहे हैं, आपके सामने, हालांकि भगवान ने करे ऐसा हो, आपके सामने एक एक्सीडेंट हो गया, देन यू विल से व्हाट, देन हाउ यू विल से हेलो ओ गॉड व्हाट हैपेंस, तुरंत आप कहेंगे। तो जो आपने वो गॉड बोला ना, जो आपने वो गॉड बोला, आपने वो गॉड बोला, तो ये क्या था, ये आपके अंदर सर्टेन फीलिंग्स थी, एकाएक फीलिंग आई, एकाएक तीव्र उद्गार थे, इसे क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू दिस टॉपिक देन यू गो थ्रू द प्लेलिस्ट एंड यू विल फाइंड देयर आर डिफरेंट वीडियोस फॉर ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द स्पीच। ओके आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, नाउ वी शुड गो द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द डे दैट वी विल लर्न समथिंग
न्यू वर्ड्स. हेलो कम ऑन नाउ टुडे विल सी द वर्ड्स ऑफ द डे. एज पर माय प्रीवियस इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे कहा था कि हम लोग क्या करेंगे डेली एटलीस्ट वन आर टू क्या होंगे रूट वर्ड्स को देखेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखेंगे. आइए आज का रूट वर्ड्स देखते हैं. रूट वर्ड्स में डेली बताता हूँ रूट वर्ड्स क्या होता है. रूट वर्ड क्या होता है जहां पे हम लोग एक वर्ड से ढेर सारे वर्ड सीखते हैं. एक वर्ड से ढेर सारे वर्ड. आई विल जस्ट टीच यू अ सिंगल वर्ड बट यू कैन मेंटेन यू कैन फॉर्म मोर देन 1000 वर्ड्स फ्रॉम द पर्टिकुलर गिवन रूट वर्ड्स. एक वर्ड से आप क्या कर सकते हैं ढेर सारे वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं. सो टुडे इज द फर्स्ट रूट वर्ड इज बायो. इट्स टू इजी एकदम आसान वर्ड है बायो. बायो मीन्स यू नो वेरी वेल व्हाट लाइफ 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 लाइफ. कल हम लोगों ने जो ग्राफ वाला रूट वर्ड पढ़ा था उसमें भी मैंने इसका यूज किया था और उसी से इंटरलिंक ये है और इसी से इंटरलिंक हमारा अभी इसके बाद जो अगला रूट वर्ड आएगा. मीन्स व्हाट वी आर रीडिंग अ सीरीज वी आर आल्सो लर्निंग अ सीरीज. इन द सीरीज द ईच रूट वर्ड्स आर कनेक्टेड विद द प्रीवियस रूट वर्ड. तो बायो मीन्स क्या होता है लाइफ होता है. ओके अब जैसे ही मैंने बायो मतलब बोला आपसे लाइफ तुरंत आपके फट से दिमाग में पहला एग्जाम्पल क्या आएगा बायो प्लस लॉजी. यस biology. What do you mean? It is your favorite subject. Maybe some of you students maybe this one is the favorite subject. हो सकता है कुछ लोगों में से आप लोगों में से ये सबका favorite subject हो biology. तो ये biology क्या होता है bio means होता है life. Bio means होता है life. और logy मतलब क्या होता है you can say a type of science you know to study something advanced, something different, that is a logy, that is a technique. So biology. Okay, in the same way the next example may be what biodata ya biography. Bio plus graphy. Graph se graphy kal maine bataya tha aapko. To bio means hota hai life aur graph means to write. किसके बारे में लिखना लाइफ के बारे में लिखना लाइफ के बारे में लिखना. टू राइट अबाउट वंस लाइफ डेट विल बी व्हाट बायोग्राफी. तो बायोग्राफी क्या होती है जीवनी होती है किसी के भी जीवनी किसी भी जीवित व्यक्ति के बारे में कुछ लिखा आपने किसी भी मे बी दैट मे बी द एनिमल और मे बी द ह्यूमन बींग. तो आप किसी भी अगर जीवित व्यक्ति के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा बायोग्राफी. इसी तरीके से हो सकता है बायोस्पी. बायोस्पी जानते हैं कितने लोग बायोस्पी जानते हैं बी आई ओ पी एस वाई. बायोस्पी बायो मीन्स लाइफ. बायोस्पी मतलब क्या होता है मेडिकल चेकअप होता है भाई. बायोस्पी क्या होता है किसी भी लिविंग बींग का जो मेडिकल चेकअप होता है ना. बायो मीन्स लिविंग बींग. बायोस्पी मतलब होता है मेडिकल चेकअप. ठीक है तो बायोस्पी मतलब कहता है एक मेडिकल चेकअप. किसका मेडिकल चेकअप आपके बॉडी का मेडिकल चेकअप होता है. इन द सेम पे क्या हो सकता है आप लिख सकते हैं एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक जानते हैं एंटी प्लस बायोटिक. ठीक है बी आई टी सी एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक क्या होता है एंटीबायोटिक के बारे में आपको सबको पता होगा. एंटीबायोटिक क्या होती है एक मेडिसिन होती है. एंटीबायोटिक क्या होती है एक मेडिसिन होती है. जब हमारे बॉडी में अनवांटेडली कोई भी माइक्रोब्स ग्रो कर जाते हैं तो उसके किल करने के लिए उसके इक्विवेलेंट में एक डॉक्टर लोग क्या करते हैं हमें एक एंटीबायोटिक देते हैं. जैसे कभी आपको फीवर हुआ होगा तो डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं ये पैरासीटामॉल लेना साथ में आपको एक एंटीबायोटिक भी खानी है. तो दिस इज द सेम एंटीबायोटिक. This is the same thing. Antibiotic. In the same way, you may also create so much examples of this one. Okay. Biography मैंने बताया आपको बता दिया. ऐसे एक और भी हो सकता है क्या autobiography. Auto plus bio plus graphy. Auto means क्या self. अब इसके बाद हमारा next root word भी शायद कुछ ऐसे ही है. Bio means life. Graphy means to write. नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को कोई बात नहीं परेशान मत होइएगा. हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसको ऑटोबायोग्राफी को यहाँ पे लिख देते हैं. क्या दिक्कत है इसको मिटाता हूँ मैं अब. इसको अब हम मिटाते हैं. इसको आप लोग नोट करते रहेगा स्क्रीनशॉट लेते रहेगा ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो. ऑटोबायोग्राफी यू मे राइट व्हाट ऑटो प्लस बायो प्लस ग्राफी. ऑटो मीन्स सेल्फ खुद से सेल्फ. बायो मीन्स लाइफ. ओके एंड ग्राफी मीन्स टू राइट लिखना.
ऑटोबायोग्राफी, खुद से खुद, खुद से खुद के बारे में लिखना ना, हम लिखेंगे अपनी कहानी खुद से लिखेंगे, तो वो क्या होगी, मेरी ऑटोबायोग्राफी होगी। बहुत सारी लोगों की ऑटोबायोग्राफीज आपने पढ़ा होगा, तो ये बात समझ में आ गया। और ये रूट वर्ड आपको समझ में आ गया? अगर ये रूट वर्ड समझ में आ गया तो हम आपको एक रूट वर्ड आज और बताने वाले हैं। देखिए बार बार लोग हमें कमेंट करते हैं, कहते हैं सर थोड़ा सा आप तेज पढ़ाते हैं, लेकिन बिल्कुल तेज पढ़ना है। अगर आप तेज नहीं पढ़ेंगे तो ज़्यादा ये कैसे कवर कर पाएंगे। ओके, सो वी हैव टू कवर अ लॉट, आवर सिलेबस इज टू ब्रॉड, सो फॉर दैट वी मस्ट बी फास्ट इन आर लाइफ। अभी क्या होना, अपनी जिंदगी में थोड़ा तेज चलना है, थोड़ा तेज चलने की आदत आप भी डाल लीजिए, सफलता थोड़ी सी आसान हो जाएगी। आइए सी द नेक्स्ट रूट वर्ड, एंड आवर नेक्स्ट रूट वर्ड इज ऑटो। आवर नेक्स्ट रूट वर्ड इज ऑटो। अब ऑटो मीन्स ये नहीं ऑटो जो आप ऑटो पर दिन भर बैठते हैं, हाँ वो भी ऑटो से ही, यही इसी ऑटो से वो भी ऑटो बना है। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, सेल्फ जो खुद से चले, जो अपने से हो, सेल्फ। यही से बना है क्या ऑटोमैटिक? यस, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, इसका मीनिंग क्या होता है, सेल्फ से या खुद से, क्या कह सकते हैं आप, खुद से, जो सेल्फ से हो वो खुद से, वो क्या होता है ऑटो होता है, जो खुद से हो, जो सेल्फ से हो ना, हाँ जो अपने से हो क्या हो ऑटो। और इसी से सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल होता है वो क्या होगा ऑटोमैटिक। ऑटोमैटिक बहुत सारी मशीन हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, ये पर्टिकुलर मशीन कैसी है, ऑटोमैटिक है, जो खुद से चलती है, जो खुद से चलती है, ऑटो से जो मशीन हमारी क्या होती है, खुद से चलती है, उसे क्या बोलते हैं ऑटोमैटिक। इसी तरीके से अभी हमने इसके पहले क्या देखा था, हमारा जो एग्जाम्पल था वहाँ पर क्या था आपको अगर याद हो तो, ऑटोबायोग्राफी था तो वहाँ पर भी ऑटो था ना, ऑटो मतलब क्या हुआ था, इसका मतलब सेल्फ हुआ था। और भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं, ऑटोनॉमस लिख सकते हैं, ऑटोनॉमस आपको पता होगा, ऑटोनॉमस मीन्स होता है जिसकी गवर्नेंस सेल्फ होती है, ऑटोनॉमस, यस सेल्फ गवर्नेंस, ऑटो मीन्स सेल्फ, नॉमस मतलब होता है गवर्नेंस, नॉमस मतलब गवर्नेंस, तो जहां पे गवर्नेंस कैसी होगी, सेल्फ गवर्नमेंट होगी, वहां पे क्या हम बोलते हैं ऑटोनॉमस। ऐसे ही क्या होता है ऑटोक्रेट को भी आप लोग जानते होंगे, या ऑटोक्रेसी भी आप लोग जानते होंगे, ऑटोक्रेसी, ऑटो मीन्स सेल्फ, क्रेसी मीन्स एकदम पावरफुल गवर्नेंस, मतलब क्या हो रहा है, एक ऐसी सरकार जिसमें क्या हो, सिर्फ एक लोगों का गवर्नेंस हो, मतलब एक लोग जहां पर, जैसे कि हिटलर को जानते हैं, उसके लिए आप कह सकते हैं क्या, वो वहां पे क्या था ऑटोक्रेसी था, वहां पे जो शासन था सिर्फ एक लोगों के से था, तो वहां पे आप क्या बोल सकते हैं ऑटोक्रेसी, क्रेसी मतलब होता है गवर्नेंस, यहां पे ऑटो मतलब जो वहां पे सिर्फ एक लोगों से हो, जो सेल्फ से हो, वो क्या होता है ऑटोक्रेसी, यू कैन से गवर्नेंस बाय वन, जहां पे सिर्फ एक लोगों की गवर्नेंस होती है वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं ऑटोक्रेसी बोलते हैं। तो आज हम लोगों ने दो रूट वर्ड सीख लिया, एक सीखा ऑटो और दूसरा क्या सीखा आपको याद होगा तो बायो सीखा। देखिए आपको क्या करना है, इस रूट वर्ड से थोड़ा सा आपको अपने कापी कलम भी चलाने हैं। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप लोग भी अपने हैबिट्स में कुछ लिखने की आदत डालिए तो मजा आएगा। जब आप डेली जब वीडियो को वॉच करते हैं, और मैंने कहा था आपसे कि सुबह डेली 10 बजे आपको वीडियोज मिलेंगी स्पोकन इंग्लिश की, एकदम मॉर्निंग होगा, डेली आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सिखाऊंगा। कल हम लोगों ने सीखा था फॉन्ड ऑफ का, अभी तक मुझे किसी का भी कमेंट में, अब तक मैंने कहा था सब लोग प्रैक्टिस करेंगे, किसी का भी प्रैक्टिस का मुझे मैसेज मिला नहीं है। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस किया करें तो मुझे भी बताया करिए कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, या तो आपको अगर कोई डाउट हो रहा तो आप डाउट मुझसे भी शेयर करिए, मैं आपको डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अभी तो हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें सीखने वाले हैं, कि जैसे हमने अभी क्या सीखा, थोड़ी देर पहले गुड मॉर्निंग के बारे में सीखा था कि हम लोग कितने तरीके से गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, कल हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग गुड मॉर्निंग का रिप्लाई दे सकते हैं, और कैसे हम लोग किसी को ग्रीटिंग कर सकते हैं, कैसे हम लोग हेलो बोल सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें सीखनी है, सारी बातें इंटरेस्टिंग है। और आपसे मैं फिर से कह रहा हूं, इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर ऑफ इंग्लिश देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डेवलप अ क्वालिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको पहले क्या करना, अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करनी है ऑब्जर्वेशन की। इफ समवन इज सेइंग समथिंग टू यू इन इंग्लिश देन यू हैव टू ट्राई टू मेक मिररिंग, आपको एक मिररिंग करना, यू हैव टू ट्राई टू बिकम अ कॉपी कैट, आपको थोड़ा सा उससे सामने वाले से कॉपी करना है। दिस इज द ओनली द प्रैक्टिस, दिस इज द ओनली अ वे बाय विच यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश वेरी वेल। क्योंकि क्या होता है, बोलना बोलने से आता है, बोलना बोलने से आता है, मेरे साथ बोलिए, बोलना बोलने से आता है। मीन्स इफ यू वॉन्ट टू स्पीक समथिंग देन यू हैव टू स्पीक, अगर आपको कुछ बोलना है तो बोलना पड़ेगा।
अगर आप कुछ पता है ना, जब कोई काम है करना होता है ना, तो प्रैक्टिकली करते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, अगर आपको अच्छा स्पीकर बनना है और आपको बोलना है, तो पहले तो भाई बोलना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, बाय बाय, एंड वी विल मीट टुमारो इन द सेम टाइम सेम चैनल, ओके।